दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आप सभी को का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद सुशील कुमार के संग। आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि टेनो क्लॉप फ्लावर के बीज को आप कैसे लगाएं, सीड से कैसे उगाएं और आपको सीड से उगाने में किसी तरह का परेशानी ना हो। दोस्तों, चलिए आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे टेनो क्लॉप सीड को पौधे बनाएं। सीड को उगाने के लिए अब क्या क्या आपको मटेरियल चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऑर्गेनिक खाद है, ये देखिए, ये ऑर्गेनिक खाद आप ले लीजिएगा, करीब 1.5-2 kg है, 2 kg पहले इसको मिला लीजिएगा। फिर उसके बाद कोकोपीट का पाउडर ले लीजिएगा, ये देखिए कोकोपीट का पाउडर है बिल्कुल इस तरह से, इसे मिला लीजिएगा। थोड़ा सा ये थाइमेट है, थाइमेट इसलिए डाल रहे हैं कि पौधा लगाने के बाद चूटी ऊँटी पौधा में ना लगे, इसे बिल्कुल इस तरह से डाल दीजिएगा। और ये डाल के इसे पूरा मिला दीजिएगा, इसे इससे क्या होगा कि इससे आपके सीड बहुत जल्दी उगेंगे और बहुत अच्छे उगेंगे और आपके एक भी बीज जो है ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छे से सीट आपके निकल जाएंगे। बस इस तरह से मिला दीजिएगा। मैंने ऑनलाइन से इसे मंगाया था, ये देखिए सीट उगाने के लिए, ये बहुत अच्छे हैं लगाने के लिए, तो इसमें मैं इन दोनों को भर दूंगा अभी मसाला इसमें इस तरह से बिल्कुल आसान से। इसमें इस तरह से इसमें आप भर लें दोनों में। ये जो आप देख रहे हैं टेनो क्लॉप के फ्लावर के, तो इसी के बीज बिल्कुल ये हैं, ये देखिए। मैं इसे अभी आपको लगा के दिखाऊंगा कि आप इसे किस तरह से लगाएंगे। एक में एक एक करके इसमें लगाऊंगा इस तरह से, एक एक करके लगाऊंगा, ठीक है। अब मैंने इसमें पूरे बीज को डाल दिया है। डालने के बाद क्या करना है बता रहा हूँ आपको। डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा इससे झरना से पानी दूंगा ऊपर से, बस इस तरह से, और पानी देकर अब इसे धूप में कहीं भी रख सकते हैं, बिल्कुल पानी इसका सोख लेगा तुरंत। अब आप इस पौधे को बड़े से पोट में कैसे इसे ट्रांसफर करें उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऑर्गेनिक खाद मिला लेंगे इस तरह से, कोकोपीट थोड़ा मिला लेंगे, थोड़ा थाइमेट मिला लेंगे, मिला के ये तीनों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसका प्लास्टिक का पोट लिया हूँ, आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या किसी भी चीज़ का पोट आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें छेद नहीं किया हूँ, मैं छेद इसलिए नहीं किया हूँ कि इसके पानी गिर ना जाए, गर्मी का भी मौसम है और इसमें पानी इतना ही डालेंगे जिससे गर्मी में सूख ना पाए। चलिए मैं इसे भर के सब दिखा रहा हूँ आपको। इसमें इतना थोड़ा थोड़ा इसमें भर लें, थोड़ा इतना खाली रखें इसको, अब आप इसे बीच में इस तरह से एक छोटा छोटा गड्ढा कर दें इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। इस तरह से एक गड्ढा कर दें,
अब आप इसमें से एक एक पौधे को निकाल लें बढ़िया से इस तरह से। बिल्कुल देखिए इसके रूट भी बहुत अच्छे आ गए हैं, ये देखिए। और इस तरह से ऐसे आप यहाँ लगा दें। इस तरह से देखिए इसके रूट कितने अच्छे बन गए हैं। इस तरह से आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे लगाते हैं, बस ये भी लगा देते हैं। और इसे लगाने के बाद आप इसमें बिल्कुल पानी झरने से इस तरह से दे दें। देने के बाद इसे बिल्कुल ऐसा जगह रखें जहां पर 4 से 6 घंटा तक इसे अच्छा धूप मिले। अच्छे धूप से क्या होते हैं, इसमें पौधा खिलते हैं और बहुत जल्दी ये खिल के इसमें फूल आ जाते हैं। अब इसे लगाने के बाद कुछ दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों इसमें फूल आने के लिए। अब मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये इसमें जैसे मैंने सीड डाला था ये बिल्कुल सीड डाल दीजिए तो 15 दिन के बाद आपके सीड किस तरह से पौधे बन के निकल जाएंगे। ये देखिए ये 15 दिन का पौधा है, ये उसी सीड से उगे में है और फिर मैंने इसे बड़े वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने इसमें फिर ट्रांसफ़र कर दिया है और ये लगभग अभी 15 दिन का पौधा ये है। अभी इसमें खाद उद ज़्यादा मिला के डाल दिए हैं, कोको पीटी सब, तो इसमें जल्दी से फैलेंगे और ज़्यादा बड़े और घने हो जाएंगे। ये वाले पौधे दोस्तों ये 2 महीने के हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल 2 महीने का ये पौधे हो गए हैं और 2 महीने में बहुत घने हो गए हैं। और मैं इसे आपको एक दिखा रहा हूँ कि कितने घने हो गए, एक ही पौधा मैंने जब लगाया था इसमें, ये देखिए देखिए इसमें एक ही पौधा लगा है और बिल्कुल एक ही पौधे से ये इतने घने हो गए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल घंटी जरूर बजा दें। नमस्कार दोस्तों।